हमारा नाम है सलीम, बजट डीहा मुर्गिया टोला, हमारा मकान है। और होली वाले दिन, मतलब कि रंग फेंकने से पता लगा कि रंग फेंकने से मस्जिद पर वहाँ पुलिस वाले मतलब दंगा हो रहा है, कुछ झगड़ा फसाद हो रहा है। तो मतलब हमको, हम वहाँ गए तो नहीं, लेकिन लड़का हमारा कैसे पहुँच गया वहाँ पर, हमको पता लगा कि आपके लड़के को गोली लग गई। हमको हमारे लड़के को पता लगा आपकी गोली लग गई, तो मतलब हमने सुना तो मतलब हम पागल हो गए, वहाँ दौड़ के गए, तो हम वहाँ जा नहीं पाए वहाँ पर। और उसके बाद हमको पता लगा क्यों नहीं जा पाए, वो गोली चल रही थी वहाँ पर। हम जब गए बाजार में, साइड बाजार में तक हम गए, तो वहाँ गोली चल रही थी, बहुत तेज गोली चल रही थी, आवाज़ खाली सुनाई दिया, हम वहाँ तक जा नहीं पाए। उसके बाद हम मतलब खाली इधर उधर छपड़ा रहे थे कि हमारा लड़का कहाँ है कहाँ है, मतलब इनसे उनसे बोल रहे थे। 3 बजे हमको पता लगा कि आपका लड़का कभी चौरा में है, आप जाइए वहाँ। गए तो वहाँ हमारा लड़का मृत घोषित हो चुका था, कभी चौरा हॉस्पिटल में। वहाँ मतलब पंचनामा हुआ, पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम लाश चली गई, हम चले आए अपने घर। वहाँ हम भी मतलब कि अपने में नहीं थे, तो लोग हमारे साथ 5-6 लोग रहे, वो लोग हमको ले घर चलाए, 2-3 लोग वहाँ से चले कभी चौरा पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम में से मतलब कि लाश हमको मिला 11 बजे रात के, मिट्टी पड़ गई। उसके बाद मिट्टी पड़ गई, मतलब कि ये विधायक जी आए थे हमारे यहाँ भी, विधायक जी आए थे, उन्होंने कहा कि मिट्टी पड़वा, हम इसका मतलब कि पूरा आपको मुआवजा दिलाएंगे। फिर उसके बाद में हम तो आप तक बैठे हैं, और हमको मतलब कि इंसाफ चाहिए, क्या हकीकत है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित तो हो ही जाएगा कि हकीकत क्या है, किसने गोली चलाया है, किसकी गोली लगी है, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित हो ही जाना है। हम तो देखे नहीं हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित हो जाएगा कि मतलब कि किसकी गोली किसको लगी है।